सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास फाइव के बच्चों को संस्कृत में पाठ 15 पढ़ा रही हूँ। पाठ 15 में आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। ठीक है, वैसे हमारे लकार तो होते हैं 10, पर पांच लकार जो होते हैं वो माननीय लकार हैं। लट लकार वर्तमान काल का बोध होता है लट लकार से, लंग लकार भूतकाल का, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा काल और विधि लिंग लकार से हम लोग को इच्छा या चाहिए के अर्थ में। विधि लिंग लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? इच्छा या चाहिए के अर्थ में। ठीक है, अच्छा तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान लें कि पुरुष भी हमारे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक चीज़ पढ़ें, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है अहम, तथा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पठ जोड़ आमी, क्या शब्द बनेगा? पठामी। अर्थ क्या हुआ? मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, खाद जोड़ आमी, खादामी। ठीक है, हंस जोड़ आमी, हंसामी। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के उदाहरण यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, अहम कृषक अस्मि, मैं कौन हूँ? मैं किसान हूँ। अहम प्रातः क्षेत्रम गच्छामि, मैं प्रातः काल कहाँ जाता हूँ? मैं प्रातः काल खेत में जाता हूँ। तत्र अहम क्षेत्रम करसामि, तब मैं खेत को क्या करता हूँ? जोतता हूँ। तथा अहम बीजानि वपामि, तब मैं बीज को बोता हूँ। अहम क्षेत्रम सिंचामि, मैं खेत को सींचता भी हूँ। परिश्रमेण अहम प्रभूतम अन्नम उत्पादयामि, और परिश्रम के द्वारा मैं बहुत से अन्न को उत्पादित करता हूँ। ठीक है, क्योंकि किसान जो होते हैं वो सोचिए कि धरती पर भगवान के रूप में है। किसान कौन है? धरती पर ईश्वर के रूप में है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। जैसे ईश्वर हमारा जीवन दाता है, उसी प्रकार किसान हमारा अन्नदाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अहम गायिका अस्मि, मैं कौन हूँ? मैं गायिका हूँ। अहम देशभक्ति गीतानि गायामि, मैं देशभक्ति गीत को गाती हूँ। अहम देश सेवाम करोमि, मैं देश की सेवा करती हूँ। जना मम सम्मानम कुर्वन्ति, लोग मेरा सम्मान करते हैं। अहम शोभना कलाकारा अस्मि, मैं एक अच्छी कलाकार हूँ। अहम अध्यापिका अस्मि, मैं कौन हूँ? मैं एक अध्यापिका हूँ। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। अहम स्नेहेन छात्रान पाठयामि, मैं स्नेहपूर्वक, मैं प्यार से बच्चों को क्या करती हूँ? पढ़ाती हूँ। अहम समय कार्यम करोमि, मैं समय पर सारा कार्य भी करती हूँ। छात्रा मम सम्मानम कुर्वन्ति, छात्र जो हैं वो मेरा सम्मान करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या हुआ? अहम। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लट लकार उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, तथा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ अहम में आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना? अहम अध्यापिका अस्मि, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैं अध्यापिका हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, मैं स्नेह से बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं समय से कार्य भी करती हूँ और छात्र मेरा सम्मान भी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, अहम कोकिला अस्मि, मैं कौन हूँ? मैं कोयल हूँ। आम्र वृक्ष मम प्रिय वृक्ष, आम का वृक्ष जो है वो मेरा प्रिय वृक्ष है। अहम अस्य शाखायाम उपविशामि,
मैं इसकी डाली पर बैठती हूँ। वसंत काले अहम मधुर स्वरे न कुजामि। वसंत काल में मैं क्या करती हूँ, वसंत ऋतु में मैं मीठे स्वर में कूकती हूँ, गाती हूँ। मम स्वरम श्रुत्वा जना वसंत समयस्य स्वागतम कुर्वन्ती। मेरे मीठे स्वर को सुनकर लोग क्या करते हैं, वसंत समय का स्वागत करते हैं, और करे भी क्यों नहीं। वसंत ऋतु तो ऋतु राज कहा गया है। वसंत ऋतु को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु को ऋतु का राजा कहते हैं। और वसंत ऋतु में एक बात क्या है कि न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंड होती है। हम लोग बहुत ही खुशनुमा समय होता है और हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, हम सभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी भी नहीं होती और बहुत ठंड भी नहीं होती है। तो वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, अहम शुकः अस्मि। मैं कौन हूँ, मैं सुग्गा हूँ। अहम प्रातः राम राम इति वदामि। मैं प्रातः काल क्या करता हूँ, राम राम बोलता हूँ। अहम हरितम मरिचम स्नेहेन खादामि। मैं हरे मिर्च को स्नेह से खाता हूँ, प्रेम पूर्वक खाता हूँ, है ना। मैं मिर्ची को क्या करता हूँ, बहुत प्रेम से खाता हूँ। जैसे आप लोग, आप सभी बच्चों मिठाई को प्रेम से खाते हो, टॉफ़ी को प्रेम से खाते हो, वैसे ही ये जो तोता राम है वो मिर्ची को प्रेम से खाते हैं। ठीक है, जना स्नेहेना माम मिट्ठू इति वदंती। लोग मुझे प्यार से क्या कहते हैं, मिट्ठू कहते हैं। ते माम पंजरस्थ कुर्वंती किंतु अहम स्वतंत्र जीवनम वांछामि। लोग मुझे पिंजरे में बंद करते हैं लेकिन मैं तो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ को बड़े ही आराम से पढ़ लिया। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको क्या कीजिएगा, शब्दार्थ को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पाठ पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।